छत्तीसगढ़ जिले कोरिया में जगन्नाथ सेवा संघ चिरमिरी के नागा पापा महंत पुरुषोत्तमपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन पर भगवान जगन्नाथ जी की विशाल यात्रा कल जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सुबह से ही मंदिर के प्रांगण में उपस्थित रहे। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से होती हुई GM कॉम्प्लेक्स पोड़ी बाजार होते हुए वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां भक्तगण भारी संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जगह जगह पर देखे गए। बताया जाता है कि यह यात्रा हर वर्ष सावन महीने में निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित होने आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के दर्शन में लाइन लगकर प्रभु की यात्रा का इंतजार करते हैं। बाबू राम प्रधान जी, आप जगन्नाथ मंदिर में किस पद पे हैं? जगन्नाथ मंदिर में अध्यक्ष के पद पे हूँ। जी जी, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? विशेषता हमसे वो अपने भक्तों को दर्शन देने पहुँचते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई इस यात्रा में कहाँ से कहाँ निकाली गई है और कितने बजे निकाली गई थी और कहाँ तक जाएगी है? ये जगन्नाथ मंदिर के यात्रा के बारे में प्रभु जगन्नाथ जी अपने जो भक्त उनसे संपर्क में नहीं पहुंच पाते, मंदिर में नहीं पहुंच पाते हैं, वो इस रथ यात्रा के बहाने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ मंदिर। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भीमपुर का निवासी आज अपने खेत पर धान की पौधे की रोप देखने के लिए खेत में गया था, तभी मोटर चालू करते समय उसे करंट लग गया। परिजनों ने नाबालिग को भोयोशी की हालत में देखा, जिसके बाद उसे सुल्तानापुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृतक बताया, जिसकी सूचना थाना सुल्तानापुरा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंपा।